रूस और यूक्रेन के बीच घमासान लड़ाई जारी है और इस बीच भारत की तरफ से अपने नागरिकों को वापस लाने का सिलसिला भी। हंगरी से ऑपरेशन गंगा लगभग पूरा। आज हंगरी से भारत 5 विमान आएंगे। हंगरी से लगभग 800 छात्रों को भारत वापस लाया जाएगा। ये छात्र जो कि युद्ध क्षेत्र में फंसे हुए थे, यूक्रेन में घमासान के बीच फंसे हुए थे और ऑपरेशन गंगा के जरिए उन्हें सुरक्षित भारत लाया जा रहा है। जो एयरलाइन उन्हें लाएगी उनमें गो एयर, स्पाइस जेट, एयर एशिया और एक्सप्रेस की फ्लाइट्स होंगी। लगभग 800 छात्र आज इन फ्लाइट्स के जरिए भारत वापस लौटेंगे। ऑपरेशन गंगा जो कि भारत की ओर से इस भीषण लड़ाई में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया और इसके लिए सरकार की ओर से मंत्रियों को भी भेजा गया। ऐसी खबर आ रही है कि आज की आखिरी फ्लाइट से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी भारत लौट आएंगे। हंगरी के रास्ते जो भारतीयों को वापस लाने का कार्यक्रम है वो एक चरण पूरा हो जाएगा और भारत सरकार इस ऑपरेशन गंगा के जरिए यूक्रेन में फंसे हुए सभी भारतीयों को वापस लाने को लेकर प्रतिबद्ध है। हालांकि अभी भी कुछ भारतीय वहां फंसे हुए हैं। युद्धग्रस्त क्षेत्र सुमी है जहां पर भारतीयों के फंसे होने की खबरें आ रही हैं और इस बीच लड़ाई काफी घमासान है। यूक्रेन और रूस में लगातार इंच इंच की लड़ाई चल रही है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।